जचती और तेरे आगे मेरी नहीं एक चलती। ये दुनिया वाले निकाले ना कमी, मैं अपने ऊपर ले लूं तेरी सारी रग। बारिश की वजह से गाड़ी पूरी गंदी हो गई है और अभी मुझे शोना के पास जाना है तो पहले इसको क्लीन करवाना पड़ेगा। क्लीन करवाना नहीं पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। अब इसको पानी से ना क्लीन कर देता हूँ, फिर चलते हैं शोना के पास। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हो कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ आप सब की तरह। और कुछ दिनों से मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ, आपको बोलने की नीड नहीं है, वैसे मेरे को अंदर से फील हो रहा है। जो बनाना चाहता हूँ ना कि मन से मैं ये बनाऊँ, वो मैं बना नहीं पा रहा क्योंकि टाइम की वजह से थोड़ा मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा है। पर मैं अब से ट्राई करूँगा कि मैं अपने बेस्ट व्लॉग्स दे पाऊँ आप सबको, ताकि आप फुल इन्जॉय कर पाओ उस चीज़ को। तो आज मैंने सोचा कि शोना भी मम्मा के घर पर है, तो मैंने सोचा कि मैं है ना शोना पे एक्सीडेंट प्रैंक करूं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया शोना और मैं आ रहा हूं आपसे मिलने, मेरा मन नहीं लग रहा घर पे। मेरे रिएक्शंस कैसे होंगे? और पहले उससे पहले छोटी मोटी कुछ तैयारियां कर लेते हैं, केमिस्ट पे चलते हैं कुछ बैंडेज वगैरह इन सब की चीज़ों को, मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, ताकि ये प्रैंक प्रॉपरली सक्सेसफुली दिखे। और ये अब की बार मैंने किसी को नहीं बताया इस प्रैंक के बारे में, और ये शायद अच्छा निकलेगा। मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूँ इस चीज़ को लेकर कि शायद मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर पाऊँ। बाकी आप सब देखते रहना। कार हो गई है मेरी फुल नीट एंड क्लीन, अब अच्छी लग रही है थोड़ी सी देखने में, पहले तो बहुत गंदी लग रही थी बारिश की वजह से। चलो चलते हैं फिर। सो गाइज, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले, प्रैंक स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी मोटी चीज़ों का अरेंजमेंट कर लेते हैं। जैसे बैंडेज सबसे पहले ज़रूरी है, और वो रेड रेड सी दवाई आती है, थोड़ी लाल सी दवाई, उसको क्या बोलते हैं मेरे को आइडिया नहीं, पर मैं केमिस्ट वाले से पता कर लूँगा। और कुछ स्वीट्स, स्वीट्स बोले तो कोई चॉकलेट या वो, क्यों? क्योंकि अगर प्रैंक कुछ ज़्यादा हैवी हो जाए अब की बार, या कुछ ज़्यादा नेगेटिव में चला जाए, तो शोना को मनाने के लिए मेरे को चॉकलेट भी चाहिए होगी। तो चॉकलेट बहुत ज़रूरी है इस प्रैंक को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और थैंक यू सो मच गाइज कि आप अब भी स्टिल मेरे व्लॉग्स को इतना प्यार दे रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तभी मैं इतना मोटिवेट हो रहा हूँ कि मैं, मेरा मन कर रहा है अब कि मैं एक बार पूरी डेडिकेशन के साथ 30 डेज 30 व्लॉग फिनिश करूँ अच्छे से, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई ये व्लॉग्स देखने में मज़ा आया। तो मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट, बाकी आपसे बने रहे प्लीज़। मैं ताकि मैं अभी चला जाता हूँ मैं केमिस्ट पे। केमिस्ट तो क्लोज है, ये तो सारे दोनों शॉप क्लोज है। तो गाइस, केमिस्ट तो क्लोज है, ये तो 24/7 ओपन रहती थी, तो ये क्लोज कैसे है? आज कुछ डे है क्या? नहीं, आज सैटरडे है, सैटरडे को तो क्लोज होता ही नहीं, वेनसडे क्लोज होता है मोस्टली ये मार्केट। तो अभी मैं दूसरा एरिया चेक कर लेता हूँ कि वहाँ का केमिस्ट ओपन है या नहीं है, अगर नहीं होगा तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर मेरे साथ। ओपन है, चलो मैं फटाफट सामान ले लेता हूँ, एक बार अंकल को जाने देते हैं यहाँ से। भैया दो बैंडेज दे दो, वो वाइट वाली पट्टी होती है ना, और एक वो होता है जिसमें लिक्विड होता है जिससे लाल लाल खून जैसा फील होता है, बीटाडीन होती है लिक्विड वाली बीटाडीन, और एक वो दे दो, और एक टेप दे दो उस बैंडेज को बांधने के लिए, कर दो प्लीज। हाँ ये इसमें छोटी नहीं आती क्या? चलो ये दे दो। ये वाली नहीं चाहिए? ये वाली एक और दे दो। एक वो नहीं होती वाइट कलर की जो इस पे पट्टी पे लगाई जाती है ताकि पट्टी निकले ही ना, जो डॉक्टर लगाते हैं, ये काट के लगा दिया, इसके ऊपर एक वाइट कलर की टेप नहीं लगती है, वो दे दो, वो प्लास्टर टेप जिसको बोलते हैं हमें भी। कितना हुआ? ठीक है पैक कर दो इसको। तो गाइस सामान तो मैंने पैक करा लिया, अब मेन जो चीज़ है कि इसको बांधेगा कौन, तो उसका भी कुछ अरेंजमेंट करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। गाइस मेरे को हेल्प करने के लिए मिली गए एक भाई, इनका नाम मोनू है। हाथ का तो इन्होंने कर दिया डन, अब बचा हेड, ये लास्ट चीज लग रही है। आ रहे हैं हम दोनों, घूम जाओ थोड़ा सा। थैंक यू मोनू भाई, थैंक यू सो मच यार, आपने हेल्प की मेरी।
यार क्या ही बोलूँ मैं, हेल्प कर दी इन्होंने, थैंक यू सो मच यार थैंक यू सो मच मोनू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज के टाइम में हेल्प करने वाले बंदे मिलते नहीं इतनी इजीली जो बिना किसी ग्रीड के हेल्प कर दें। पट्टी वट्टी तो मैंने करा ली है, अब है टाइम चॉकलेट्स लेने का, ताकि अगर प्रैंक में कुछ दिक्कत आ जाए तो मैं चॉकलेट्स वगैरह देके अपने प्रैंक को ईजिली कर लूँ और मैं बच जाऊँ किसी भी तरीके से। एक किटकैट दे दो मेरे को, एक सिल्क वाली दे दो, सिल्क वाली नॉर्मल वाली देना बिल्कुल, मतलब ये नट्स वाली नहीं चाहिए उनको, हाँ नॉर्मल वाली चाहिए बिल्कुल। हाँ एक किटकैट दे दो कोई भी, ये किटकैट नहीं है यार, ये वाली अच्छी नहीं लगती उनको, एक काम करता हूँ रखो किटकैट रहने दो, दो फ्यूज दे दो और क्या ले सकता हूँ, और ये एक ये दे दो, ठीक है ना, बस ये पैक कर दो ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं थोड़ा सेफ हो जाऊँ तुम्हारी चॉकलेट की। यार कुछ खाने का भी ले लिया जाए क्या, खाने पीने का ले लेता हूँ अगर कुछ गड़बड़ हुई, पता चले उन्होंने गुस्से में आके मेरे को बोला कि आज खाना मिलेगा ही नहीं, तो इससे अच्छा मैं कुछ खाने का भी ले लेता हूँ पहले। चलो गाइस चलते हैं। शोना के पास चलते हैं घर पे, मामा के पास, मामा पापा तो अभी आए नहीं है, वो स्टिल वहीं पे ही है अभी ऑफिस में ही, पर चलता हूँ देखता हूँ। और मैंने आपके बार काजल को भी बताया, अगर ट्राई करूँगा कि काजल की रिएक्शंस भी ले पाऊँ, पर वो सो रही होगी, चोट लग गई, इधर लगी चोट पकड़े गए, प्रैंक यही खत्म। प्रैंक है, मुझे बता दे क्यों प्रैंक लग रहा है, कौन प्रैंक कर रहा है, शक्ल देख क्या, हाँ तभी कह रही हूँ शक्ल देख के प्रैंक है। आजकल इतने सारे ब्लॉग्स बना के मैं तो इतनी हार्टलेस हो गई, मुझे तो यही समझ नहीं आता रियल है या फेक। पट्टी खोल शिल्पा, इतनी गर्मी में वैसे तो पहली बात पट्टी बांधती नहीं है खरोचों पे, यार मोटा भी हो रहा है कैसे, मतलब भूफी ने तो कैसे गिरा दिया, बारिश थी ना तो एकदम झटका मारा ऊपर से, इतनी भी जान नहीं है वो, और यहाँ कहाँ लगी है सर पे, ये आपको पता नहीं है वाली स्लीपर कैसी है और सर पे कैसे लगी है, कहाँ पे नीचे कोई निशान क्यों नहीं दिख रहा, तो पट्टी बांध देना, कहाँ पे लगी है, मतलब यहाँ पे लगी है, यहाँ पे लगी है, यहाँ आप तो सिर्फ मजाक में ले रहे हैं यार, बेचारे के काजल लग गई यार, इस भूफी की केयर टेकर लानी पड़ेगी, और हमें पता भी नहीं लगा कब लगी आपको और कब गए आप, रात को ही, कितने बजे, 2 बजे, अब क्या करे काजल, काजल को लग रहा है प्रैंक है और मुझे दया आ रही है। पट्टी खोलो, पट्टी खोलो, अरे इतनी मुश्किल से तो बंधवाई है यार उसने, मैं बांध दूंगी, मेरे पास सारा सामान है, थोड़ा ऐसे उठा के देख ले, हाँ शिल्पा अगर ज्यादा लगी होगी फिर हम अच्छे डॉक्टर के ले जाएंगे ना, पता नहीं किसने ऐसे पट्टी बांधी है, ऐसे तो बांधी नहीं जाती पट्टी, टाइट के बनवाई है, फिर इसे थोड़ी नॉर्मल तो कराते हैं, नहीं उस यहाँ स्वेल्ड हो रहा है, सर खाना मेरी कसम लगी है, देखो मेरे को ऐसे डर सा लग रहा है अपना, इतनी पट्टी देख के देख, लग रहा आपको, लग रहा है, लाओ दिखाओ, खोल देगी तो पागल, फिर काजल नहीं है, खाओ इसकी कसम नहीं है, चोट साहिल मुझे पता है कैसा है, हाय हाय कितना गंदा प्रैंक है, कम से कम पट्टी के ऊपर निशान तो बना लेते थोड़ा, दवाई दिखाता हूँ रुको, दवाई भी ले आए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है यार, इतनी पट्टी प्रैंक नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, पर फिर ये शूट भी क्यों करवा रहे हैं, हाँ पर इसलिए करवा रहे होंगे, और तेरी कसम क्यों नहीं खा रहे, खाई तो है, नहीं खाई, मैंने जान नहीं दिया, मैं कसम खाऊं तभी मानेंगे दवाई, हाँ क्योंकि आप काम नहीं मान मेरा ना फोर्स लग
क्योंकि आप ऐसे हो इतने, आप मुझे तभी उठाते हैं, आपको पूरा ऐसे मतलब नहीं, आप सो रहते हैं, आप करके देख लो, ओपन करके देख लो, नहीं ऐसे तो पर दर्द नहीं, कर लो, कर ले शिल्पा, कर लेना, मेरे को पता नहीं क्यों ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है अभी, क्योंकि साहिल इतने सेंसिटिव है, इनको हल्की सी खरोच आती है ना तो ये इतने सेंसिटिव है, उसको ना 10 बार दिखाते हैं कि देखो मुझे यहाँ लगी है, और ये इतने पट्टी बांध के आ रहा है, यहाँ देखो, लाओ मैं खोल के देख लो, धीरे करो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार सीजर लिया, नहीं यहाँ से ओपन हो जाएगा, लो पता है ना, मुझे लग रहा है गाजर लगी है, दोबारा करवा के आओगे, जरूर लगी होती है, तेरी कसम खा चुके होते अब तक, कसम थोड़ी खानी होती है हर चीज में, यार ऐसे आप इतनी बड़ी बड़ी टेंशन दे, गाजर पट्टी देख कितनी कराई है, कहीं तो मार्क दिखे, अब तो मुझे हंसी आ गई, मैं भी चाहती हूँ सबको, ओ भाई मुझे पहले ही बता था, नहीं लगी है ना, मैं मार दूंगी चोट, कहाँ लगी है काजल, कोई चोट नहीं है भाई, पता है मुझे, मुझे नहीं आपके लिए, ताकि अगर इसमें कुछ नेगेटिव हो जाता ना तो मतलब गुस्सा कम कराने के लिए, मैंने कुछ थोड़ा अलग ट्राई किया आपकी बार, तो कैसा लगा आपको, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इसी के साथ ऐसे प्रैंक दोबारा मत करना जिसमें आप इतनी इजीली पकड़े जाओ, क्योंकि आपने एग्जीक्यूट तो अच्छा किया लेकिन मुझे डाउट तब हुआ तब काजल ने बोला खाओ कसम, ये तो भाई कसम खिला देती पहले ही, चोट लग गई थी यार, करो दोनों की, सो गाइस अगर इनका व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बहुत दर्द हो रहा है, सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू हिज चैनल, आपका भी तो मेरा ही है, और मैं इस पनिश मतलब इस पनिशमेंट ये जो इन्होंने प्रैंक मेरे ऊपर किया है, मैं सच बताऊं मुझे डाउट हो गया था तभी मेरे रिएक्शन नहीं निकल पाए, पता नहीं क्यों आजकल होने लग गया मेरे, आपको पता है कितने व्लॉग्स हो गए हैं, 300 से ज्यादा, बस मेरी अब जर्नी थोड़ी सी रहती है और मेरे 65 कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 365 फिर शिल्पा अपना चैनल मुझे दे देगी गाइस, सो गाइस मेरी तबीयत बहुत खराब थी आज भी और कल भी, मतलब फीवर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसे हो रहा है, और मेरे साथ साथ दीप्ति की भी हो गई और अभी काजल की भी हो गई, मेरी वजह से हुई है जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो वैसे प्रैंक अच्छा था, और इनको पनिशमेंट मैं ये देना चाहती हूँ कि कल ये एक और चैलेंज करें जिसका नाम होगा No food, no water for 24 hours. And next day in hospital. कर सकते हो आप, बहुत डाइट करते हो, पागल है, बहुत डाइट, इतनी गर्मी में नो वाटर, हो जाऊंगी मैं ठीक गाइज, और बस मिलते हैं ये अपने कल नए व्लॉग में, टिल देन बाय।